हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम एमबी केरियर मित्र के द्वारा स्टूडेंट का टेस्ट कैसे दें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने मोबाइल स्क्रीन पर हैं और हमें एक बार को दोबारा से ओपन करना है। तो यहाँ पर अपडेट का ऑप्शन आएगा हमारे पास, तो हमें इसे अपडेट कर लेना है। तो हम इसे अपडेट करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अपडेट होने में, हम थोड़ा सा वेट करते हैं। तो जो है फिर वो यहाँ पर अपडेट होने लगा, हमें थोड़ा सा वेट करना है। देखिए, यहाँ पर जो अपडेट है उसका प्रोसेस चालू हो गया है और फाइनली अपडेट हो चुका है। हमें इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का हमारे पास इंटरफेस होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमें थोड़ा सा वेट करना है। तो हम देख सकते हैं जो मोबाइल ऐप है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और यहाँ से हमें एप्टीट्यूड टेस्ट इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ से हमसे यूडाइस और पासवर्ड पूछेगा, तो फर्स्ट टाइम पर हमें पासवर्ड चेंज करना होगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमने यूडाइस और पासवर्ड इंटर कर दिया, तो देखिए हमसे पासवर्ड चेंज करने का बोल रहा है। तो हमें पासवर्ड को सिंपली यहाँ से चेंज कर देना, रीसेट पासवर्ड करके। तो यहाँ पर मैं अपने पासवर्ड को रीसेट करता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों एक्चुअली जो पासवर्ड है वो मोबाइल से रीसेट नहीं हो रहा है, तो इसके लिए सिंपली हमें अपने ब्राउज़र पर जाना है और यहाँ पर एम पी केयर मित्र टाइप करना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाएँ और इस लिंक पर क्लिक करें और सिंपली इंटर बटन प्रेस करें तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके का पासवर्ड सॉरी पेज हमारे पास ओपन होगा। यहाँ से हमें स्कूल लॉगिन पर जाना है और यहाँ पर हमें अपना यूडाइस इंटर करना है। इसके बाद हमें जो पासवर्ड है जो हमें बीमर्स पोर्टल पर मिलेगा, उस पासवर्ड को यहाँ पर इंटर करना है और हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमसे बेसिक से जानकारी पूछेगा। तो चलिए, इंटर करने के बाद हमें पासवर्ड को रीसेट करना। तो इस तरीके का पेज ओपन होगा। मैंने थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर दिया है और यहाँ पर हमें सबमिट बटन प्रेस करना है, हमें पासवर्ड को रीसेट कर देना है यहाँ से। तो देखिए, इस तरीके का पेज पर हमारे पास पेज ओपन होगा और यहाँ पर पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल दिया गया, कृपया लॉग इन करें। तो इस तरीके से हमने अपना पासवर्ड को रीसेट कर दिया है, अब हम इसे अपने मोबाइल पर लॉग इन कर सकते हैं। तो चलिए, हम अपने मोबाइल पर चलते हैं और इसे लॉग इन करके देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर है। यहाँ पर हमें अपना यूडाइस और पासवर्ड इंटर करना है। जो पासवर्ड हमने रीसेट किया था उसे यहाँ पर इंटर करना है। तो मैंने अपना पासवर्ड इंटर कर दिया है। यहाँ पर हमें सर्च स्टूडेंट पर जाकर स्टूडेंट का नाम इंटर करना है और अगर हम चाहें तो इसका इनरोलमेंट नंबर के जो लास्ट के 3 डिजिट होते हैं उसे भी इंटर कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ये करके दिखा देता हूँ जो स्टूडेंट है उसकी। तो यहाँ पर दोस्तों मैं जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर हूँ और यहाँ से हम देख सकते हैं। यहाँ पर हमें सारी रिपोर्ट दिखाई देगी, कितने छात्रों का परीक्षण हो गया है, कितने छात्रों का नहीं हुआ है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं परीक्षण दिए हुए छात्र, इस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें सारी चीज़ें दिखाई देगी। यहाँ पर हम कुल छात्र पर जाके भी जैसे देख सकते हैं, तो यहाँ पर कुल छात्र हैं जैसे हम इजीली देख सकते हैं। और यहाँ से हमें ये जो नंबर 2 दिखाई, इसे कॉपी करना है या इसे जो मोबाइल ऐप उस पर जाकर पेस्ट कर देना या इंटर कर देना है। तो इस तरीके से हम छात्र का फॉर्म। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ चुके हैं और हम स्टूडेंट के इनरोल नंबर के लास्ट के 3 डिजिट इंटर कर रहे हैं यहाँ पर। और सिंपली हमें सर्च बटन पर क्लिक करना है, अगर हम चाहें तो नाम से भी सर्च कर सकते हैं। देखिए, स्टूडेंट का जो फॉर्म है वो यहाँ से ओपन हो चुका है। यहाँ पर हमें स्टार्ट टेस्ट पर क्लिक, तो इस तरीके से स्टूडेंट अपना टेस्ट दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।